क्लास 8 मैथ एनसीईआरटी सीबीएसई की बुक से एक्सरसाइज 9.4 का क्वेश्चन नंबर 3 का 6th क्वेश्चन पे आ गए। ठीक है, यदि आपको सवाल देखने का है तो क्वेश्चन नंबर 4th आप देख सकते हैं। 4th क्वेश्चन मैंने बना के पूरा दिखाया है। ठीक है, और सब वैसा ही है, इसलिए फिर मैं डायरेक्ट बना बना के ही आपको समझा देता हूँ। तो उसमें मैं क्लियर बना बना बनाया हुआ था हाथ से। ठीक है, तो x प्लस वाई एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर को अपने को मल्टीप्लाई करना है। इसमें क्या है, ये बाइनोमियल है, ट्राइनोमियल। ठीक है, बाइनोमियल का ट्राइनोमियल के साथ मल्टीप्लाई है, तो क्या होगा, x का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, y का इन तीनों के साथ मल्टीप्लाई होगा, यानी x इंटू ये पूरे के पूरे होल, ठीक है, होल इक्वेशन आ जाएंगे, और y इंटू ये होल इक्वेशन आ जाएंगे। दोनों को अलग अलग कर दिया है, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर कर दिया है। अब x का इसके साथ मल्टीप्लाई कीजिए, x का इसके, इसमें क्या होगा, x इसके साथ मल्टीप्लाई, x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, और x का इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, तीनों का अलग अलग मल्टीप्लाई हो जाएगा। जो साइन है उसको साइन को रखना है, वैसे यहाँ पे भी सेम टू सेम होगा। मल्टीप्लाई होने के बाद जो वैल्यू आता है वो वैल्यू को सीधा सीधा आपको लिख लेने का है कि y इंटू एक्स स्क्वायर होगा तो वाई एक्स स्क्वायर हो गया, ये वैल्यू आपने सीधा लिख दिया। अब क्या हो गया कि सबको आप जैसे x इंटू वाई था तो एक्स स्क्वायर वाई हो जाएगा, तो एक्स स्क्वायर वाई आपने कर लिया। ये पूरा का पूरा कैलकुलेशन, अंदर वाला कैलकुलेशन जो है स्मॉल ब्रैकेट के अंदर वाला कैलकुलेशन आपने कर लिया। ये करने के बाद आप क्या किए, ब्रैकेट धीरे धीरे सबको हटा दिए। तो स्मॉल ब्रैकेट पहले हटा दिया आपने, स्मॉल ब्रैकेट हटाया, यहाँ भी स्मॉल ब्रैकेट सब हटा दिया। अब अंदर का कैलकुलेशन करते हैं, x3 है, यहाँ x3, दूसरा कोई x3 नहीं है, x स्क्वायर वाई, दूसरा कोई x स्क्वायर वाई है ही नहीं। वैसे यहाँ पे देखिए तो कुछ और, मतलब आपस में कुछ कैलकुलेशन नहीं होता है, तो फिर क्या किए, ये ब्रैकेट को भी हटा दिए। हटा दिए, बाहर में प्लस का साइन है तो अंदर का साइन चेंज नहीं होगा, सेम टू सेम रह जाएगा। तो सेम का सेम ऊपर वाला नीचे कर लिए। अब एक एक देख देख के हमने क्या किया, x3 लिखा, ठीक है, और दूसरा कोई x3 है क्या, देख लेते हैं, नहीं है, ठीक है। अब y3 को ले लिया आगे, ठीक है, x3 के साथ y3 रखा, ठीक है, y3 रखा, उसके बाद y3 दूसरा था, नहीं था, x स्क्वायर वाई, तो x स्क्वायर वाई दूसरा कोई x स्क्वायर वाई है क्या, तो x स्क्वायर वाई ये है, तो x स्क्वायर वाई के साथ में x स्क्वायर वाई ये रखा, ठीक है। y x स्क्वायर और x स्क्वायर वाई में कोई फर्क नहीं होता है, तो इसके बाद फिर इसी को रखा, और एक्स वाई स्क्वायर के बाद माइनस एक्स स्क्वायर वाई को रखा, ठीक है, चूंकि ये प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर वाई है, ये प्लस एक्स स्क्वायर वाई है, ठीक है, वैल्यू दोनों का सेम ही है, वन ही है दोनों का, तो आपस में कैंसिल हो गया। वैसे ही वन माइनस वन जीरो होता है, और ये भी वन माइनस वन कितना होगा, जीरो होगा, तो दोनों कट गया, बचा क्या, एक्स थ्री प्लस वाई थ्री, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है।